दोस्तों नमस्कार, कानूनी बात बताने वाले मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय थोड़ा हटके सोचने की बात है। पुराने जमाने में पुलिस से अपराधी वास्तव में क्यों डरते थे और सच को डरते थे? अब आपके सामने मैं आंखों के सामने मैं ऐसी चीज लाना चाहता हूं कि ओल्डन डेज में जहां हम पंडो वल्दर बोलते थे, ब्लू पूरा ओवरकोट जैसे शर्ट था, नीचे ब्लू पैंट थी। दादा कुंडके का बहुत फेमस पिक्चर हो गया पांडुवल्दर, इसलिए सब लोग पांडुवल्दर बोलने चल गए। पर वो जो पांडुवल्दर रहता था उसके हाथ में एक छड़ी रहती, लकड़ी स्टिक, मुंह में विसल, और किसी भी रास्ते के या वो अगर आता है विसल उसने बजाया तो उस रास्ते पे जितने भी उल्टे पुल्टे काम करने वाले रहते थे सब भाग जाते थे। इतना उसका डर रहता था। इन्हीं भाई वो एक सबसे अच्छी तरह बात करने वाला है, वो ऐसा रे क्या है, पर अगर वो मारना चाहता है तो मारेगा, वो पूछेगा भी नहीं, उसको परमिशन की जरूरत नहीं। पर वाला साहब बोलेगा तो मैं मारूंगा नहीं, उसको लगा तो फटाफट चालू, तो भाई डरते थे उससे। आज हुआ ऐसा है कि पुलिस के हाथ में स्टेनगन भी आ गई। अब स्टेनगन दे के क्या करोगे? बिना किसी पूछे तो परमिशन के सिवा गोली भी नहीं जा सकते, स्टेनगन भी मार नहीं सकते। लकड़ी की काठी से आप कुछ भी किसी को भी मार सकते हो, स्टेनगन से कहां से मारेंगे? तेरे वो क्या हो गया है, वो हाथ में, वो अपने हाथ में रख के वो उसको क्या किया, उसको बंदिश तो बना दिया और परमिशन भी लगती है। यानी अगर मान लो पुलिस भी गोली झाड़ सकते है, उसके सर्विस रिवॉल्वर है, सर्विस रिवॉल्वर होते हुए अगर मान लो कोई भी आदमी उनके ऊपर हमला करता है तो भाई सर्विस रिवॉल्वर का यूज करके उसके ऊपर वो गोली छाड़ सकता है। पर उसके लिए भी एक आम तौर से वो एक डेकोरम दिया है, अरे हवा में जोरी झाड़ो, उसको बोलो मेरे हाथ में पिस्तौल है भाई, गोलियां है इसमें, मरने का इरादा है तो आ जाओ, एक गोली ऊपर झाड़ी उस फिर भी अंदर अपने तुम्हारे अंग पे आ रहे तो फिर नीचे मारो पैर के ऊपर, उसको जख्मी कर दो, और फिर भी नहीं सुन रहे तो फिर है भाई उसकी मौत ही आ रही है, उसको बुला रहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते। पर वो डेकोरम तो फॉलो किया उसने, मेरे मन में आ गए तू क्या कर रहे है उधर, गोली मारू ये नहीं हो सकता ना, वो लकड़ी से मार सकता था। अब आज के जमाने में रात को गुंडा स्क्वाड करके रहते हैं, 3 से लेके 4 ऐसे ज्यादा ऐसे सिविल में पुलिस घूमते रहते, देखते कि कोई उल्टा पुल्टा कोई काम करने वाला मिलता है क्या, भाई पूछता है तू कौन रे क्या कर रहा है, अगर कोई बोलता नहीं है तो सीधा वो अपना लकड़ी का यूज कर सकते। यही तो पहले जमाने में, पुराने जमाने में वो पांडुवल्दर करता था, इसलिए तो डर रहता था। अभी तो क्या डर रहता है, मानव अधिकार का डर रहता है भाई, किसी को मारे तो भाई उनको तो मानव अधिकार वाले पूछेंगे, आयोग पूछेंगे कि क्यों मारा भाई बेचारे को, देखो कितना खून निकला है, काला नीला पड़ा है, भाई ये चोर है पर वो भी आदमी है, क्यों मारा उसको। यानी पुलिस होते हुए भी मारने के बजाय उसको 10 बार सोचना पड़ता है, भाई क्या किया, जुर्म लिखा है, कंप्लेन है तुम्हारे पास है, वारंट है, सब 25 क्वेश्चन उनको ही पूछे जाते हैं। तो ये बात है ना, ऐसा नहीं, फिर भी आज एक बात तो सही है, आज भी लोग पुलिस से डरते हैं, ये अच्छी बात है। अगले वीडियो में यही अलग अलग से ऐसे विषय लेके मैं आपके सामने आते रहता हूं, ऐसे ही कुछ विषय लेके आऊंगा, तब तक के लिए यही रुकता हूं, धन्यवाद।